ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30,000 ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਅੱਜ UT ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ये चीज सच है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो नहीं रह पाते अपने जो भी रिलेटिव हैं या जो भी घर वाले उनके साथ नहीं रहते किसी भी फेस्टिवल पे। में बहुत रेयर होता है कि कोई चांस हो जाए किसी की छुट्टी हो वो घर वालों के साथ है, उस टाइम पे भी ये इस चीज की वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जो जनता की उसकी सुरक्षा हो, उसकी जितनी भी सुरक्षा उसके लिए सारी जो पुलिस वाले उनको ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। और इस चीज को भी नहीं देखा जाता, इसको भी निग्लेक्ट किया जाता है बहुत बुरे तरीके से, और इसको नहीं देखा जाता इस कि वो चीज भी कर रहे हैं सब पुलिस वाले सारी जनता के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर भारत सरकार इस चीज के लिए कुछ कर सके तो प्लीज करे, जितना हो सके उतना ज्यादा करे, क्योंकि पुलिस वाले ही एक ऐसी चीज है जो देश के अंदर एक दूसरे के जो भी क्राइम होता है उससे बचा सकती है। हुण देखना ये होगा कि वकीलों और पुलिस का यह विवाद कदों और किवें शांत होगा। बाबूशाही टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।